नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर असहनशीलता का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग अपने खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो या सांसद। आज किसी को भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, ना ही किसी को वो सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई बोलता है या लिखता है तो उसके खिलाफ ये कार्यवाही करते हैं, ऐसा पहले नहीं था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबीसी के ऑफिस पर आईटी सर्वे को लेकर भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार में विपक्ष की बातें सुनी गई। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के परिसरों पर हुए आयकर विभाग के सर्वेक्षण संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना के प्रति असहनशीलता के अस्पष्ट संकेत है। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति संग्रहालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेस की आजादी के लिए कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ी थी। आज बीबीसी पर हुई कार्रवाई से समझ लीजिए कि उन लोगों की इच्छा क्या है। यह बहुत स्पष्ट है, उन लोगों के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो कार्रवाई होगी। संसद में गौतम अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठन करने की मांग से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई घटना घटती है तो सांसदों को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। जब हम भी विपक्ष में थे तब भी उस समय भी सरकार हमारी बातें सुनती थी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम मंत्री थे, तब वह भी विरोधियों की भी बात सुनते थे। आज जो लोग वहाँ बैठे हैं किसी को सुनना ही पसंद नहीं कर रहे। पत्रकारों के अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं समाधान यात्रा पर था, इसलिए इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। वैसे हमारे खिलाफ जिसको जो बोलना है और जो कहना है कहते रहे। हम रात दिन लोगों की सेवा करने और काम करने में लगे रहते हैं। हम सबके हित में लगातार काम करते रहते हैं। किसी के हमारे खिलाफ बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता मालिक है और जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा कि पहले जो काम करते थे उनकी मीडिया में चर्चा होती थी, लेकिन आजकल जो बोलते हैं उन्हीं की मीडिया में चर्चा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमारा काम लोगों की सेवा करना है और उसके लिए हम रात दिन काम करते रहते हैं। इस सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो वो जनता का नेता नहीं बनेगा, किसी पार्टी का नेता नहीं बनेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भाजपा का क्या पलटवार हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।